हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम साड़ी में फॉल लगाने वाले हैं बिल्कुल एक नई ट्रिक से। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम दो सुई की सहायता से फॉल लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूनिक आइडिया है और ये हमारी साड़ी है फ्रेंड्स। इसको सबसे पहले आप कोई मैट या चटाई लें, उसके ऊपर इसको फैला लें और यहाँ पर ये हमारी फॉल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस साड़ी की जो किनारी है ये रेड कलर में है और बाकी ये येलो में है। तो फ्रेंड्स, हमने येलो कलर की फॉल ली है और इसको इस तरह से मोड़ लिया है अंदर की तरफ से। अब फ्रेंड्स, हम किनारी की साइड में यहाँ पर पिनअप करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पिन करने से बहुत ही आसान तरीके से हमारी फॉल लगती है और साथ ही हम यहाँ पर दो सुइयों का यूज़ करेंगे एक साथ ही। तो फ्रेंड्स, ये वाली जो पिन है मैं इनको लगाने वाली हूँ, इसकी सबसे पहले तो किनारी पर लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जहाँ से अभी हमने इसको फोल्ड किया था वहाँ पर सबसे पहले हम पिन करेंगे और इस तरह से ही हम यहाँ नीचे की साइड में आगे थोड़ा सा आगे जाके और फिर एक पिन लगाएंगे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, पहले सबसे पहले लगाएंगे हम नीचे की साइड में पिन और उसके बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ ऊपर की साइड में पिन अप करेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि फ्रेंड्स, हमारी जो फॉल है वो एक इक्वल आएगी और इसमें ना तो झोल पड़ेगा ना ही ये फ्लपी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नीचे की साइड में पिन लगाने के बाद में अब ऊपर की साइड में पिन लगाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस मेरी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस तरह से हम पिनअप कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो साड़ी है वो पिन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसके बाद में फ्रेंड्स, हम दो सुइयों का यूज़ करने वाले हैं और मैं यहाँ पर दो तरह के ही धागे यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, हम नीचे भी हाथ से ही फॉल लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रेड कलर का धागा लूँगी नीचे भी और इस तरह से ऊपर की साइड में मैं येलो कलर का धागा यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप 4 से 5 पिन इस तरह से एक साइड में लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हमारी ये पिन सेट हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने दोनों सुइयों को ले लिया है। नीचे की साइड है फ्रेंड्स, उसमें मैंने डबल धागा यूज़ किया है और ऊपर की साइड में यहाँ पर सिंगल धागा यूज़ करेंगे। अब हम सुई धागे से फॉल लगाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरह से टाँके लगाएंगे कि जो ऊपर की साइड है फॉल की साइड में वहाँ पर धागा हमारा बड़ा आएगा और जो नीचे की साइड में जो साड़ी का फैब्रिक है वहाँ पर हमें बिल्कुल पॉइंट में ही हमें धागा लेकर चलना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने डबल धागा लेते हुए और यहाँ पर स्टिच लगाए हैं। कुछ स्टिच लगाने के बाद में फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 8 से 10 स्टिच यहाँ पर लगाए हैं इस तरह से और ये बहुत ही जो हमारे फ्रेंड्स इस तरह से लगाने हैं कि हमारा जो धागा है वो बाहर की तरफ बहुत कम दिखाई दे। तो देखिए इस तरह से धागे को खींचते जाना है और यहाँ पर देखिए पीछे की साइड में जो फैब्रिक है फ्रेंड्स वहाँ पर हमारा बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए धागा। तो यहाँ पर इस तरह से ही मैं यहाँ पर नीचे की साइड में थोड़ा सिलूंगी और उसके बाद में फिर हम ऊपर की साइड में शुरू करेंगे। तो ये दोनों सुइयों से फ्रेंड्स हम एक साथ ही फॉल को लगाते हुए जाएंगे। तो ये वाली जो कॉर्नर है फ्रेंड्स यहाँ से शुरू करेंगे ऊपर से और जो बीच का पोर्शन है इसे मैं सबसे बाद में सिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऊपर का हमारा सिंगल धागा है, उसको हम यहाँ पर इस तरह से नॉट लगा देंगे एक और उसके बाद में स्टिच करेंगे। तो ये भी देखिए इस तरह से धागा खींचते हुए हमें पूरा धागा नीचे से निकाल लेना है और ये इस तरह से हम यहाँ पर जितना हमने नीचे सिला है उतना ही हम यहाँ पर सिल लेंगे और फ्रेंड्स जो पिन बीच में आ रही हैं उन पिन को हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो हमारा धागा है वो बहुत कम दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये इसी विधि से हम यहाँ पर अपनी फॉल को लगाएंगे। और फ्रेंड्स अब आप ही देखिए कि मैं यहाँ पर कैमरे के पास से दिखा रही हूँ आपको। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से फॉल को लगाया है। अब फ्रेंड्स हमारी फॉल यहाँ पर इस तरह से लास्ट में जो हमारा पोर्शन आएगा यहाँ पर भी हम इसी तरह से फॉल को सिल लगा लेंगे। और फ्रेंड्स अब हमारी जो फॉल है फ्रेंड्स वो लग चुकी है। तो मैं आपको ये साड़ी को फ्रंट साइड से दिखा रही हूँ कि इस तरह से फॉल लगाने पर फ्रेंड्स हमारी जो साड़ी है वो बिल्कुल भी फ्लफीनेस नहीं आएगी फॉल में और बहुत ही इसमें प्लेट्स जब डलेंगी तो बहुत मतलब अच्छे तरीके से हमारी प्लेट्स बन जाएंगी। तो आप ही देख सकते हो कि हमारी जो फॉल है वो कितने अच्छे तरीके से लग चुकी है। तो फ्रेंड्स मैंने एक और शॉर्ट वीडियो डाला था, उस पर भी मुझे आप लोगों का भरपूर प्यार मिला, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।